हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिजिटल की ओर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी पढ़ा होगा कि वोडाफोन में कुछ बदलाव किए गए हैं डिजिटल केवाईसी को लेकर, तो इसी के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि नया अपडेट क्या आया है। तो इस बीच में मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, तब तक अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो भी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्या पता है किसी के कुछ काम आ जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारे सीनियर्स ने, हमारे सर ने एक मैसेज भेजा है हमारे वोडाफोन की टीम में कि इसमें ये बहुत पूरी जानकारी दी गई है दोस्तों। ये मैसेज का जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इसको मैं कॉपी करके, ताकि आप लोग वहाँ पर से इसको पूरा पढ़ लेंगे। और फिलहाल में मैं इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं, जो काम की बातें, वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें ये कहा गया कि 20 तारीख की रात को, यानी कि 20 तारीख की रात को 12:01 पर इसमें हमारा जो वोडाफोन कनेक्ट एप्लीकेशन है, इसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे डिजिटल केवाईसी को लेकर। और इसमें जो है कुछ यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो हमारे वोडाफोन की जो वोडाफोन आइडिया एक हो चुके हैं, तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो इसी को लेकर देखिए। जैसे कि वोडाफोन, तो दोस्तों इसमें जो है वोडाफोन के लिए जो खास स्कीम ये आई है कि इसमें आपको 20 तारीख के बाद में थोड़े से बदलाव किए जाएंगे, और 21 तारीख से, यानी कि 21 तारीख की रात को 12:01 से जो ई के वाई सी परमानेंटली बंद कर दी जाएगी। मतलब कि आप लोग अपने मोरफो या मंत्रा, जिससे भी आप लोग डिवाइस से आप सिम एक्टिवेट करते थे, वो आप नहीं कर पाएंगे, आपको डिजिटल केवाईसी ही करनी पड़ेगी। तो ठीक है, वोडाफोन में तो ये अपडेट आ गया है, और वहीं पर ये आइडिया में भी कुछ इसी टाइप की अपडेट चल रही है दोस्तों, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और जो हमारे वोडाफोन में है, तो उसमें सिमेक्स करने के लिए एक दूसरी एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल अभी इतना ही था इस वीडियो में हमारे लिए, बाकी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। Yeah.